मैं आप लोग को बताऊंगी सिर्फ एक रबर बैंड से ब्यूटीफुल बंद हेयर स्टाइल तो कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने वाली। फर्स्ट हेयर स्टाइल में जो है वो रबर बैंड यूज नहीं होगा, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे यू पिन, बॉबी क्लिप भी यूज़ कर सकते हो, यू पिन भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यू पिन यूज़ करूँगी। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पहले उनको ब्रश कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और आपको अगर मेरा ब्लॉगिंग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं ब्लॉग वीडियो इस चैनल पे लेके आऊँ। उस चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की तरह मेकअप लुक आपको देखने को मिलेंगे सेकंड चैनल पे, तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइए और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे अभी। और मैंने जो बताया था आपको हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विटामिन ई की कैप्सूल कैसे यूज करना है, कोई भी ऑयल लगा रहे हो उसमें मिक्स करके आप उसको यूज करो, आपका हेयर फॉल 100% है कि रुक जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, कोल्ड ड्रिंक एंड जो भी चीज़ें हार्मफुल होती हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, हेल्दी चीज़ें खाइए पीजिए, तो आपके बालों का जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। इसी टाइम में हमको ऐसे करना है, सारे बालों को इस तरीके से एक पोनी की तरह पकड़ लेना है, अच्छे से कॉम करने हैं बालों को। दिन में 2 बार कम से कम अच्छे से कॉम करना चाहिए, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे कि हमारी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो कम होती है और नए बाल होने में भी हेल्प मिलती है। इस तरीके से मैंने कॉम कर लिया है। कॉम करने के बाद इस तरीके से बालों को लेना है, देन ट्विस्ट करना है, टाइटली ट्विस्ट करना है, लूज नहीं करना, करेंगे इस तरीके से बालों को पूरा अंदर के साथ इंसाइड कर देंगे और ये फ्रेंच रोल वो इसी तरह बन जाएगा और ऊपर तक इस तरीके से बालों को जितना हमको हाइट करने की ज़रूरत है उतना हाइट कर देंगे। उसके बाद हम नॉर्मल यू पिन ले रहे हैं, अगर लंबा वाला यू पिन मिल जाए तो बेस्ट है, आपको ऐसे लेना है इस तरीके से, इसको इस तरीके से घुमा देना है एंड स्कैल्प की हेयर के साथ लगा देना, इस तरीके से आपका जो बन है वो होल्ड हो जाएगा। और एक यूपी लगा कर नहीं छोड़ना है, 2-3 यूपी लगा लीजिएगा, इससे कि आपका लंबे टाइम तक जो आपका बन है वो ऐसे के ऐसे रहेगा और निकलेगा नहीं, और कम टाइम तक आपका बन जो है वो बना रहेगा। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो तो आप इस तरीके से लंब को बना लीजिएगा, नीचे से जितने भी बेबी है उसे हमको एक साथ लेना है और इस तरीके से बन के अंदर इंसर्ट करना है एंड यहाँ पे भी एक यूपी हम लोग लगा देंगे। इस तरीके से आप लोग फर्स्ट हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो डेली में। आपको घर पे भी अगर गर्मी लग रही है और आप ऐसा चाहते हो जिससे कि आपका बाल जो है वो एक जगह पे होल्ड रहे, आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हो। ये काफ़ी प्यारा भी लगता है, बहुत इजी है, फ्रंट से थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लैटनेस है बालों में वो ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा हैवी लुक आ जाएगा। इसको भी आप चाहो तो ऐसे खींच के एक अच्छा सा लुक देके यहाँ पे यू पिन लगा सकते हो इस तरीके से, और चाहो तो इसको पूरा का पूरा अंदर की तरफ इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, लेस निकाल दिया तो आप निकाल दो, अपनी क्लिप्स कट की है तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, मैंने भी की हुई है तो मेरा भी ऐसे निकल जाता है, तो आप उसको निकाल सकते हो और भी प्यारा लुक आएगा आपके बालों का। तो डेली वे में आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो और थोड़ा सा बालों को खींच लीजिएगा ताकि आपका फ्लैट लुक ना रहे बालों में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है ये सेंटर में रहे, साइड में ना जाए। यहाँ से भी एक यू पिन लेंगे इस तरीके से और ऐसे लगा देंगे, अच्छे से बालों को फैला लेंगे। ये है फाइनल लुक हमारे फर्स्ट हेयर स्टाइल का। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में हमारा जो ये चीज़ दिख रहा है ये नहीं दिखेगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा, उसके लिए क्या करना है पहले हम बालों को ओपन कर देंगे। जितने भी यू पिन सबको निकाल देंगे,
निकालना भी बहुत ईजी है, कई बार भी लगते हैं तो फिर आराम से आपका यूपिन सारा निकल जाएगा और बाल भी रहेंगे। अब आपको सेकेंड हेयर स्टाइल के जो फ्रेंड्स लुक बनाना है उसके लिए आपको पहले ही आपको फ्रंट से अपना जो पार्टीशन करनी है, जो हेयर स्टाइल बनाना है वो हम बना लेंगे इस तरीके से। अच्छे से कॉम कीजिए बालों को, कॉम करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। कई लोगों को मैं देखती हूँ वो पूरा पूरा दिन एक एक दो दो दिन तक बालों में कॉम नहीं लगाते हैं, और उनको ही नहीं मैं भी कई बार नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि इतना काम ही रहता है कि हम लोग अपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। बट बालों में कॉम करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम करना है सेकेंड हेयर स्टाइल में। ये फुल फ्रेंच वन हेयर स्टाइल है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली होगी तो जो लोग नए हैं उसके लिए बता दे रही हूँ। इस तरीके से आपको लेना है, देन फुल नीचे की तरफ से ही फोल्ड करना स्टार्ट करना है। इसमें हमने थोड़ा ऊंचा किया था, इसमें हमको नीचे से ही फोल्ड करना है और सारे बालों को अंदर की तरफ हाइट करना है। ओके, नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सारे बालों को अंदर की तरफ कट करते रहेंगे। एंड इसमें ऊपर का भी जो हिस्सा था उसको भी हम लोग को नहीं छोड़ना है, इसको भी हम लोग अच्छे से हाइड कर लेंगे इस तरीके से। और इसको साथ के साथ जो पीन से छुपे हो करके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिएगा इस तरीके से बालों को करके, और सारे बालों को अंदर की तरफ कट कर देंगे। और यू पिन इस वाले हेयर स्टाइल में आपको ऊपर से भी लगाना स्टार्ट करना है, छोटी वाली यू पिन यूज़ कीजिएगा ताकि दूसरी साइड से निकलना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं है तो आप यू पिन यहाँ से लगाओगे तो यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे यू पिन लेना है कि आप दूसरी साइड से ना लें। आप जो बालों का बॉडी यू पिन का देख सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल टाइटली रखना है, ओके। तो इस तरीके से आप अपना फ्रेंच बॉन बना के रेडी कर सकते हो, साथ ही साथ आपको ऊपर एक अच्छा का बाउंड्रेस भी मिल जाएगा जिससे कि आपके एक बिल्कुल फ्लैट में नहीं आएगा बालों में। साइड में आपके रोज फ्लावर लगा सकते हैं जिससे कि आपके बालों का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो फ्रंट से जो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, थोड़ा फ्रंट को खींच लेंगे। आप फ्रेंच बन बना रहे हो तो इस तरीके का लुक ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसको फोल्ड करते हैं तो बालों में यहाँ पर बाउंसनेस अपने आप आ जाता है अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो। तो ये था हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल और ये थे आज के दो इजी फ्रेंच रोल बन हेयर स्टाइल जो कि आप आराम से बना सकते हो। और इस साइड का जो हेयर है इसको आप कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरीके का लुक जाए, इससे क्या होगा कि लुक अच्छा आएगा, इलेवन टाइप का आएगा। ऐसे अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे एक क्लिप यूज कर सकते हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा ये वाला हेयर स्टाइल, ऑफिस जाने वाली लड़कियों के लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप बॉडी क्लिप यूज़ कर सकते हो, छोटा वाला बड़ा वाला आपकी मर्जी है। यहाँ पर इस तरीके से क्लिप लगा देंगे जिससे कि हमारा जो लुक है वो इस तरीके का बना रहे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बालों को खींच लेंगे और ये है हमारा फाइनल लुक। इस साइड के हेयर को थोड़ा नीचे की तरफ से लेके आएंगे ऐसे। तो पहला वाला जो था वो बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना लोगे, बट सेकेंड वाला काफ़ी एलिगेंट लगता है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है। इसको नीचे की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे और हल्का फुल्का मेकअप कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है क्योंकि घर पे हूँ, मेकअप करने की नहीं थी मुझे। तो ये है हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल फ्रेंच रोल बन हेयर स्टाइल। आई होप कि आपको पसंद आया हो, अगर आप ऑफिस जाते हो कॉलेज जाते हो तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा और वेस्टर्न और इंडियन दोनों ड्रेस के साथ जाएगा।
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की इजी हेल्पफुल हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स वीडियोज आपको देखने को मिले। सेकंड चैनल पर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोज मिलेंगी एंड इस पर हेयर स्टाइल के साथ में ब्लॉगिंग वीडियोज भी मिलती हैं, कुछ कुछ टिप्स ब्यूटी हैक्स वगैरह सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलते रहती हैं। अगर आप जानना चाहते हो क्या क्या है तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।